दोस्तों, एक ना एक दिन धरती का अंत निश्चित है। यह अंत कुदरत के करिश्मे से होगा या फिर इंसानों के नए नए अत्याधुनिक हथियारों से होगा, यह कहना मुश्किल है। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि हर चीज का निर्माण के पश्चात उस चीज का अंत निश्चित है। जैसा एक जन्मा हुआ इंसान का मरना अवश्य है, वैसे ही ब्रह्मांड में जन्मा हुआ हर चीज का एक आयु होती है, जिस आयु के पूर्ण होने का पश्चात उस वस्तु का अंत भी होता है। इसलिए इंसान को डर है कि डायनासोरों की तरह उसका भी वजूद कहीं हमेशा के लिए मिटना जाए। इसके कारण इंसान कुछ ऐसे आविष्कार और नए नए खोज में लगा हुआ है जो उसे हमेशा के लिए अमर बना सकता है। वो अपने आप को किसी अन्य ग्रह में बसाना चाहता है ताकि धरती अपनी अंत की कगार पर खड़ी हो तो उसका वजूद पृथ्वी से गायब भी हो जाए, वो किसी अन्य ग्रह पर मौजूद रहे। और इसमें कुछ हद तक वो सफल भी माना जाता है, क्योंकि हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसे असंभव कारनामे को करके दिखाया है जिसको देखने के लिए हम सदियों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, धरती की तरह दिखने वाले 7 नए ग्रहों को खोज निकाला है, और वे सब ग्रह ट्रैपिस्ट 1 तारे का चक्कर लगाते हैं। और यह तारा अपने ईंधन को इतना धीरे चलाता है वह आने वाले भविष्य में अरबों सालों तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों, माना गया है कि यह सौरमंडल हमारे सौरमंडल से 40 लाइट ईयर दूरी पर है। जिस सौरमंडल के कक्ष में मौजूद 7 ग्रहों में से 3 या 4 ग्रहों में पानी तरल रूप से मौजूद हो सकता है, और वे सभी ग्रह मुख्य तौर पर सिलिकेट चट्टानों और अन्य धातुओं के बने हुए हो सकते हैं। माना गया है कि ट्रैपिस्ट 1 तारे का जन्म लगभग कुछ ही समय पहले हुआ है, और यह तारा इतना ठंडा है कि वह अपने कक्ष में मौजूद किसी भी ग्रहों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खोजकर्ताओं ने अंदाजा लगाया है कि सारे ग्रहों में उनके वातावरण के अनुरूप जीवन मौजूद हो सकता है। अगर इन ग्रहों में जीवन मौजूद नहीं है तो निराशा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सौरमंडल का जन्म कुछ ही पहले हुआ है। इसके कारण भविष्य में इन ग्रहों में जीवन पनप सकता है। दोस्तों, इन ग्रहों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जैसा जैसा इन ग्रहों के बारे में जानकारी मिलेगी हम लोग आपको अपडेट करेंगे। तब तक प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।